Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamata Goyal, head of the Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. Defense structures हम ले रहे थे और इसमें हमने अभी पहले से जो मौजूद डिफेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था. प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चरल डिफेंसेस जो हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम ले रहे हैं पोस्ट इन्फेक्शनल या इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस सिस्टम. इन्फेक्शन होने के बाद स्ट्रक्चरल डिफेंस अराइज होना या इंड्यूस्ड. एक बार पैथोजन ने अटैक किया तो उस कुछ इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड रिएक्शन होगा, वो इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म. डिस्पाइट द preformed superficial or internal defense structures of host plants, most pathogens manage to penetrate their host through wounds and natural opening and to produce various degree of infection. हमें पता ही है कि superficial और internal जो defense structure हैं host plant में, उसके अलावा भी फिर भी जो है pathogen वो कुछ degree तक पहुँच जाता है. Even the pathogen has penetrated the preformed defense structures. However, plants usually respond by forming more or one or more types of structures that are more or less successful in defending the plant from further pathogen invasion. उसको रोक देते हैं, plant उसके growth को रोक देते हैं. Some of the defense structures formed involve the cytoplasm of the cells under attack and the process जिसमें cytoplasm involve होता है उसको we can call it cytoplasmic defense reaction. कुछ जो others होते हैं they involve the wall of invaded cells, और इसको हम क्या कह सकते हैं, they are called cell wall defense structures. और still others की हम बात करें they involve tissues ahead of pathogen deeper into the plant, तो दे आर कॉल्ड हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर्स क्योंकि वो डीप टिश्यूज के अंदर है. फाइनली अगर हम बात करें द डेथ ऑफ इन्वेडेड सेल में प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फर्दर इन्वेजन. डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गई, पहले भी हम बात कर चुके हैं डेथ और नेक्रोसिस हो गई, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है इन्वेजन को, पैथोजन के इन्वेजन को. दिस इज कॉल्ड नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव डिफेंस रिएक्शन. और इसी को हम इस अलग अलग हेडिंग्स में इसको साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन को, सेल वॉल डिफेंस स्ट्रक्चर्स को, और डिफरेंट फॉर्मेशन को, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस को, इनको हम डिटेल में स्ट्रक्चरल डिफेंस का ही टाइप मान के इनको हम ले सकते हैं. इसमें जो बता रखा है मैंने, जो सबसे पहले मैंने पैथोजन मैनेज टू पेनिट्रेट देयर होस्ट थ्रू वूंड्स एंड नेचुरल ओपनिंग्स एंड प्रोड्यूस वेरियस डिग्री ऑफ इन्फेक्शन. Pathogen penetration through the host surface induce the structural defense mechanism in the host cell. हम बात कर चुके हैं इसकी. These may be regarded as histological defense barriers जिसमें cork layer का formation होगा, abscission layer का, tylosis. जब अगर deep tissue की हम बात करते हैं उसमें अगर defense structures form होते हैं, soft tissue की बात करते हैं वहाँ पर अगर होता है तो वो histological defense barriers होते हैं. और cellular defense structures जो sheathing है, hyphal sheathing, उनका formation होता है, हाइफल शीथिंग का फॉर्मेशन होता है. सॉरी, अब इसी को लेते हुए मैं थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक डिफेंस रिएक्शन को तुमको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, इन अ फ्यू केसेस ऑफ स्लोली ग्रोइंग वीकली पैथोजेनिक फंजाई, जैसे वीकली पैथोजेनिक आर्मी लेरिया है, स्ट्रेन्स, इसके स्ट्रेन्स हैं, और माइकोराइजल फंजाई है दैट इंड्यूस क्रॉनिक डिजीज और नियरली सिम्बायोटिक कंडीशंस. द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म में होता है, द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म सराउंड्स द क्लंप ऑफ हाइफे. साइटोप्लाज्म जो होता है हाइफे के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है एंड द प्लांट सेल न्यूक्लियस इज स्ट्रेच्ड to the point where it breaks into two. तो वहाँ पर
क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेच हो जाता है और दो में डिवाइड हो जाता है, और कुछ और सेल्स होती हैं, सम सेल्स द साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन इज ओवरकम एंड द प्रोटोप्लास्ट डिसअपियर्स वाइल फंगल ग्रोथ इंक्रीजेस। और कुछ और केसेस में इन सम ऑफ द इन्वेडेड सेल्स ओवर द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एनलार्ज, द साइटोप्लाज्म बिकम ग्रेन्युलर एंड डेंस एंड वेरियस पार्टिकल्स एंड स्ट्रक्चर अपियर इन इट, फाइनली द माइसिलियम ऑफ द पैथोजन डिसइंटीग्रेट एंड इन्वेजन स्टॉप्स। तो ये है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस, कि साइटोप्लाज्म किस तरीके से डिफेंस का काम करता है। जहाँ माइसिलियम है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, जहाँ माइसिलियम है वहाँ न्यूक्लियस पहुँच गया। तो ये हम देख रहे हैं डिफरेंट मीन्स जो साइटोप्लाज्म डिफेंस का काम कर रहा है। अब इस तरीके से हम बात कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर्स की, जो अब इसमें बता रखा है हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर्स, जिसमें हम बात करेंगे कॉकलियर की, एब्सिशन लेयर की एंड टाइलोसिस फॉर्मेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकलियर की। इन्फेक्शन बाय फंजाई और बैक्टीरिया एंड इवन बाय सम वायरसेस एंड निमेटोड्स फ्रीक्वेंटली इंड्यूसेस प्लांट्स टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ कॉक सेल्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। सेवरल लेयर्स ऑफ कॉक सेल्स आर फॉर्म्ड बियॉन्ड द, उसमें हम इसको, इसका हम डायग्राम से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से हम, ये जो डायग्राम है इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि ये डीप इनटू द टिश्यूज, यहाँ पे जहाँ इसने इन्वेड कर दिया है वहाँ पे कॉकलियर का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे कॉकलियर। पोटैटो ट्यूबर्स इन्फेक्टेड बाय राइज़ोक्टोनिया और एक प्रनस डोमेस्टिका लीव्स अटैक्ड बाय कोकोमाइसिस। तो इसमें जो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स जो हैं प्लांट को अटैक कर रही हैं, तो कॉकलियर जो है जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है उसके नीचे कॉकलियर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से कॉकलियस जो है वो फॉर्म हो गई। तो ये कब फॉर्म हुई है, दे आर फॉर्म इन्फेक्शन जहाँ हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द होस्ट सेल बाय सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द पैथोजन, ये कॉकलियर का फॉर्मेशन हो गया। द कॉकलियस इनहिबिट्स फर्दर इन्वेजन बाय द पैथोजन बियॉन्ड द इनिशियल लीजन एंड ऑल्सो ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ द एनी टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द पैथोजन। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसका जो आगे बढ़ रहा था, स्प्रेड था जो पैथोजन, उसका उन्होंने उसको रोक लगा दी, स्प्रेड उसकी रोक लगा दी। टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो भी क्रिएट हो सकता है, स्प्रेड ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट द पैथोजन में सीक्रेट। अब ये जो पैथोजन है कोई टॉक्सिक सीक्रेट कर सकता था, उसके पहले इन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी। कॉकलियर स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द हेल्दी टू द इन्फेक्टेड एरिया एंड डिप्राइव द पैथोजन ऑफ नरिशमेंट। अब इन्होंने क्या किया, ये बन गया, तो वो जो पैथोजन था वो इस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेने वाला था, वाटर लेने वाला था हेल्दी प्लांट से, तो इन्होंने उसको वो जो रोक लगा दी उससे उसको डिप्राइव कर दिया, उसको रोक दिया, वहाँ कमी हो गई, वहाँ जा नहीं पा रहा, वहाँ इन्फेक्टेड एरिया जो था वहाँ पे ना न्यूट्रिएंट्स जा पा रहे, ना नरिशमेंट उनका हो पा रहा पैथोजन का, तो एक तरीके से उस पर बैन लग गया, उसकी ग्रोथ पे बैन लग गया। द डेड टिश्यू इंक्लूडिंग द पैथोजन आर दस लिमिटेड बाय द, दे आर लिमिटेड बाय द कॉकलियस एंड दे रिमेन इन प्लेस फॉर्मिंग नेक्रोटिक लीजन्स दैट आर रिमार्केबली यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप फॉर अ पर्टिकुलर होस्ट पैथोजन कॉम्बिनेशन। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका अलग अलग तरीका होता है, स्पेसिफिक होता है। ट्री कैंकर्स की अगर हम बात करें, सच एज दोज कॉज बाय फंगस सीरिडियम ऑन साइप्रस ट्रीज, रेजिस्टेंट प्लांट क्लोन्स रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ द फंगस बाय फॉर्मिंग लिग्नोसुबेराइज्ड बाउंड्री जोन्स विच इंक्लूडेड 4 to 6 लेयर्स ऑफ सेल्स विथ सुबेराइज्ड
सेल वॉल्स। इस केस में ट्रिकेंकस में सुबेराइज सेल वॉल फॉर्म हो गई, सुबेराइज फॉर्म हो गई तो नेचुरली पानी भी रुक जाएगा जाना, और ससेप्टेबल जो है उसको उन्होंने होने से रोक दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो केसेस हो रहे हैं इसमें फॉर्मेशन हो रहा है कॉकलियर का जो उसको रोक रहे हैं। ये उसका डायग्राम अच्छे से आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि ये एपिडर्मिस है, स्टार्च ग्रेन्स हैं, माइसीलियम है, ये माइसीलियम ग्रो कर रहा है, लेकिन एपिडर्मिस के डीप नीचे जहाँ पे ये इन्फेक्शन और अंदर के एरिया में पेनिट्रेट करता है कॉकलियर का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉकलियर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इनसाइड द टिश्यू। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। एब्सिशन जो लेयर होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन यंग एक्टिव लीव्स ऑफ स्टोन फ्रूट ट्रीज आफ्टर इन्फेक्शन बाय एनी ऑफ सेवरल फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एन एब्सिशन लेयर कंसिस्ट ऑफ अ गैप फॉर्म्ड बिटवीन टू सर्कुलर लेयर्स ऑफ लीफ सेल्स सराउंडिंग द लोकस ऑफ इन्फेक्शन। अपॉन इन्फेक्शन द मिडल लैमेला बिटवीन दीस टू लेयर्स ऑफ सेल्स इज डिसॉल्व्ड थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द सेल कम्प्लीटली कटिंग ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। एब्सिशन लेयर बन गई तो वो कट ही हो गया, एक तरीके से एरिया ही कट हो गया इन्फेक्शन का एरिया। तो एन इन्फेक्शन लेयर कंसिस्ट ऑफ अ गैप बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी सेल्स ऑफ द लीफ सराउंडिंग द लोकस इन्फेक्शन। अब इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लैमेला ऑफ पैरेन्काइमस टिश्यू ग्रेजुअली इन्फेक्टेड एरिया श्रिवल्स डाइज एंड स्लॉज ऑफ कैरिंग विद इट द पैथोजन। दे आर फॉर्म ऑन यंग एक्टिव लीव्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स इन्फेक्टेड बाय फंजाई बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो दस द प्लांट बाय डिस्कार्डिंग द इन्फेक्टेड एरिया अलॉन्ग विद अ फ्यू अनइन्फेक्टेड सेल प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द लीफ टिश्यू फ्रॉम बीइंग इन्वेडेड बाय द पैथोजन एंड फ्रॉम बिकमिंग अफेक्टेड बाय द टॉक्सिक सिक्रेटेड बाय द ऑफ द पैथोजन। अगर पैथोजन इन्फेक्शन हो जाता तो सिक्रेट ही करता वो बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंस, उस सब से इसने एब्सिशन लेयर ने उसके उसको से बचा लिया। एब्सिशन लेयर बनने से वो सबसे बच गया। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है ज़ैंथोमोनास प्रोनाई और दूसरे एक और पैथोजन पीच लीव्स के ऊपर जिसके थ्रू हुआ है क्रॉस्टेरोस्पोरियम के थ्रू। तो ये एब्सिशन लेयर से, तो ये वाला जो ब्लैक वाला एरिया है ये डिजीज्ड सेल है, डिजीज्ड एरिया है, लिग्निफाइड सेल्स बनी और एब्सिशन लेयर बनी, उससे ये वाला एरिया कट हो जाएगा, हट जाएगा और हेल्दी एरिया एज सच रिमेन बचा रह जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी नेक्रोटिक एरिया जो है वो बीच बीच में पिंचिंग दिख रही है तो वो वहाँ से हट गया, क्योंकि जो एरिया इन्फेक्टेड एरिया है वो लीफ के अंदर ये ब्लैक एरिया है और उसके चारों तरफ जो है एब्सिशन लेयर जैसी बन गई और उससे वो टूट करके गिर जाता है। तो बाकी जो हेल्दी एरिया है उसका इन्फेक्शन रुक गया। तो ये एब्सिशन एरिया के थ्रू इन्फेक्शन का रोकना। इसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। टाइलोसिस का बनना, टाइलोसिस जो है दे आर द ओवरग्रोथ्स ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैरेन्काइमेटा सेल्स विच प्रोट्रूड इनटू जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स। दे हैव सेल्यूलोजिक वॉल्स, इट फॉर्म्ड क्विकली अहेड ऑफ द पैथोजन एंड मे क्लॉग द जाइलम वेसल्स कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द फर्दर एडवांस ऑफ द पैथोजन इन रेजिस्टेंस वैरायटी। तो टाइलोसिस जो होते हैं, टाइलोसिस फॉर्म इन जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स में बनते हैं ऑफ मोस्ट प्लांट्स अंडर वेरियस कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग इन्वेजन बाई मोस्ट ऑफ द जाइलम इन्वेडिंग। अब जाइलम इन्वेडिंग फंजाई जाइलम के अंदर एंटर कर रही है, जाइलम को वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो वहाँ पर टाइलोसिस अगर बन जाएंगे तो टाइलोसिस आर ओवरग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो आसपास की जो पैरेन्काइमेटस लिविंग हैं वो क्या करेंगी, उसके अंदर ओवरग्रोथ कर देंगी, उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो जाइलम वेसल्स के अंदर। तो अब क्या होगा कि टाइलोसिस दे आर द ओवरग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैरेन्काइमेटा सेल्स विच प्रोट्रूड इनटू द जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स। दे हैव सेल्यूलोसिक, टाइलोसिस हैव सेल्यूलोसिक वॉल्स एंड दे मे बाय देयर साइज एंड दे नंबर
दे क्लॉक द वेसल्स कम्प्लीटली. अब इसको जब इन्होंने क्लॉक कर लिया तो नेचुरली उसका ग्रोथ ही रुक जाएगी क्योंकि इनकी ग्रोथ हो गई है. इन सम वेराइटी ऑफ प्लांट्स डायलिसिस फॉर्म अबंडेंटली एंड क्विकली अहेड ऑफ द पैथोजन वाइल द पैथोजन इज स्टिल इन द यंग रूट्स एंड ब्लॉक फर्दर एडवांस ऑफ द पैथोजन द प्लांट ऑफ दीज वेराइटीज रिमेन फ्री ऑफ एंड देयरफॉर रेजिस्टेंट टू दिस पैथोजन वेराइटीज इन विच फ्यू इफ एनी डायलिसिस फॉर्म अहेड ऑफ द पैथोजन आर ससेप्टेबल टू द डिजीज. तो कुछ में जिनमें डिजीज हो गई है ऊपर वाले ने क्या किया, ऊपर वालों ने टाइलोसिस फॉर्म कर दी तो जो नीचे डिजीज है वो डिजीज जब तक ऊपर फैलती उससे पहले ही इनका फॉर्मेशन हो गया और ये रुक गई. तो इस तरीके से ये जो टाइलोसिस है ये बीमारी को रोकने का काम करते हैं. यहाँ पे डायग्राम से आप अच्छे से देख सकते हैं ये टाइलोसिस है. ये टाइलोसिस आसपास की जो लिविंग सेल्स हैं पेरेन्काइमा सेल्स वो पेरेन्काइमा सेल्स पिट्स के थ्रू ग्रो हो गई हैं और पिट्स के थ्रू ग्रो होने के बाद इन्होंने इसके अंदर इसको पूरा बंद कर दिया. तो जो जाइलम यहाँ पे ग्रो हो रहा था नेचुरली वो जाइलम के अंदर पैथोजन ग्रो हो रहा था उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाए. ये टाइलोसिस फॉर्मेशन इन वेसल्स. इसके कारण क्या होगा, वेस्कुलर बिल्ट हो जाएगी, पैथोजन की वेस्कुलर बिल्ट हो जाती है. पैथोजन जो है वो विल्ट वाला है. आप और थोड़ा सा समझ सकते हो, पैथोजन का नेचर है वेस्कुलर विल्ट कॉज करना. पैथोजन जाइलम में फैल रहा है, तो जाइलम में जब फैलेगा तो जाइलम के थ्रू सप्लाई होनी थी, पानी का सप्लाई होना था, पानी की सप्लाई नहीं होकर के वहाँ पर पैथोजन है, पैथोजन फैल रहा है. तो नेचुरली वेस्कुलर विल्ट पैथोजन कहलाते हैं. ऐसे जो जाइलम में फैल होते हैं ये वेस्कुलर विल्ट पैथोजन कहलाते हैं. तो वेस्कुलर विल्ट वाला पैथोजन है जो जाइलम में ग्रो कर रहा है. अब इसको रोक दिया इसने. अब इसके बाद है गम डिपोजिशन. गम डिपोजिशन जो होता है तो वेरियस टाइप्स ऑफ गम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैनी प्लांट्स अराउंड लीजन्स आफ्टर इन्फेक्शन बाय द पैथोजन और इंजरी. गम सिक्रीशन इज मोस्ट कॉमन इन स्टोन फ्रूट ट्रीज बट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स. द डिफेंसिव जो रोल होता है ऑफ गम्स स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर डिपॉजिटेड क्विकली इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड विद इन द सेल्स सराउंडिंग द लोकस ऑफ इन्फेक्शन दस फॉर्मिंग एंड impenetrable barrier that completely encloses the pathogen. The pathogen then becomes isolated, starves and sooner or later dies. ये जो है ये gum का role है. gum secretion in most common किस किस में, stone fruits में है, trees में है. तो ये क्या होता है, stress condition में gum release होता है. gumosis is the process in which gum प्रोड्यूस्ड बाई द प्लांट एंड ट्रीज. तो पैथोजन आइसोलेट हो जाता है इसके चक्कर में और उस स्टार्व हो जाता है, भूखा मर जाता है और नेचुरल न्यूट्रिशन ही तो लेना चाहता है और उसकी डेथ हो जाती है. तो डिपोजिशन ऑफ गम भी एक तरीके से बैरियर का ही काम करता है. तो वील कंटिन्यू विथ सेल्युलर जो स्ट्रक्चरल अभी हमने ले लिए, अब हम लेंगे केमिकल डिफरेंस इन माई नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन